कांग्रेस ने सीधी लोकसभा से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया है। कमलेश्वर पटेल को संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनका मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा से होगा। वहीं लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर कांग्रेस के जीत दर्ज करने की बात कही। जनता के बीच में जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे रहे हैं, जो झूठे वादे रहे, जो पूरा नहीं किया है, वो जनता के बीच में जाके बात करेंगे कि कहाँ है काला धन, 15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं आए, महंगाई आधी हुई कि नहीं हुई, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार तो मिला नहीं बल्कि मिला हुआ रोजगार छीन लिया, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, तो किसान तो अभी भी आंदोलनरत है, शिक्षित बेरोजगार आंदोलनरत है, महंगाई से तो निजात मिला नहीं है, बहुत सारे विषय हैं। झूठे वादे करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महारत हासिल है। अब जनता को के बीच में जाएंगे, बात करेंगे, पीएम आवास योजना की आधी अधूरी किस्तें मिली हैं, पीएम आवास योजना कंप्लीट नहीं हुआ, पीएम आवास योजना में सबको पक्का मकान देने के लिए जो लोग पंजीयन कराए थे पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम में, पोर्टल खुला था, वो सब कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ, ना स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, ना डिजिटल इंडिया दिखाई दे रहा है, सारे वादे सिर्फ किताबी रह गए हैं, झूठे जुमले साबित हुए हैं। और हमारा तो कहना है ऐसा कोई सगा नहीं भाजपा सरकार ने जिसको ठगा नहीं, तो ये ठग विद्या में माहिर हैं, इनके ठग को उजागर करना है। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, वो सारे विषय को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और ज़रूर जिस तरह से रुझान है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनेगी। भैया ये भगवान कड़कड़ में है, तन में राम, मन में राम, कड़कड़ में राम। अब इनके भगवान सिर्फ एक जगह है, हमारे भगवान सब जगह आत्मा में विराजते हैं, हर व्यक्ति में, गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भगवान विराजते हैं। और हम लोग तो गरीबों की सेवा और गरीब से गरीब व्यक्ति के आत्मा में राम भगवान को ढूंढते हैं, और वही राम भगवान है। राम भगवान की अगर हम विचारधारा की बात करें, श्री राम जी की विचारधारा यही थी कि कोई भी दुखी नहीं है, सब सुखी हो, त्यागी पुरुष थे वो। इस तरह आडंबर अगर आज भगवान श्री रामचंद्र जी जिंदा होते, कहीं से अगर प्रकट होते, तो उनको कितना दुख होता कि वो किस विचारधारा के थे, गरीब को गले लगाते थे, सेवरी का भी जूठा बैर खा लिया था, केवट के साथ किस तरह का उनका संवाद, अगर आप रामायण को पढ़िए तो, या तो ये रामायण को नहीं मानते, राम राज्य कहाँ है भाई? राम राज्य अगर सब कोई सुखी हो, दीन दुखी नहीं हो कोई, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, सबका सम्मान हो, यही तो भगवान राम थे। तो भगवान राम के विचारों को हम लोग मानते हैं, भगवान सब जगह है, एक मंदिर में बैठे हुए भगवान श्री राम नहीं हो सकते हैं, भगवान श्री राम हर जगह विराजते हैं। भैया झूठे वादे करने में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महारत हासिल है, तो स्वाभाविक रूप से जो काम सब करते हैं वही काम हुआ है। आज हमारी रेल परियोजना की क्या हालत है आप समझ सकते हैं, शिक्षित बेरोजगार जिनकी जमीन गई है, उनके जमीन जाने के बाद भी ना ही अभी बहुत सारे लोगों को उसका मुआवजा मिला है, ना ही उन शिक्षित बेरोजगारों को जिनकी ज़मीन गई उनके परिवार के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, बड़े बड़े जो भाजपा के नेता थे उनने मुआवजा भी बनवा लिया, अभी रेल पटरी बिछी नहीं, प्लेटफार्म पहले से बन गया, प्लेटफार्म का भूमि पूजन हुए भी 5 साल हो गए शायद। तो इस तरह का आडंबर हुआ है ये दिखावे की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिया है। आज सिंगरौली में जो एयरपोर्ट बना है हमारी थोड़े समय के सरकार के समय हुआ है, मेडिकल कॉलेज जो सिंगरौली में सेंक्शन हुआ है कमलनाथ जी के टाइम में, स्टेट का फंड दिया है, उस समय प्रयास करके सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ है, यहाँ चाहे नवोदय विद्यालय हो, यहाँ का महाविद्यालय हो, ये सारा दाऊ कुमार अर्जुन सिंह के टाइम में पूजनीय पिताजी जब थे उस समय ये सारे काम हुए। लॉ फैकल्टी बंद होने के बाद, आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद लॉ फैकल्टी सीधी में नहीं शुरू हो पा रही है, प्राइवेट कॉलेजों में लॉ फैकल्टी सीधी में शुरू हो गई, तो किसका ये असफलता है? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, भाजपा के नेताओं की, कांग्रेस की सरकार तो बहुत कम समय रही। तो हम लोग हमेशा जो बात करते हैं वो पूरा करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी अगर लगता है कि
प्रदेश की जनता, देश की जनता महसूस कर रही है वो भी काम हमारे नेताओं ने करके दिया है, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे RTI हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड गारंटी योजना हो, ऐसे बहुत सारे मनरेगा है, बहुत सारे काम, 27% OBC को उच्च शिक्षा में आरक्षण देने का काम अरविंद सिंह जी करके गए, ऐसे बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किया, इन्होंने तो मिले हुए अधिकार छीनने का काम किया। जी मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और आज आप देख लीजिए कि किस तरह से हमारे माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है, फंड जनरेट जो जिस तरह से हुआ है, जानकारी नहीं दे रहे हैं जी, जो मुख्य आयुक्त है निर्वाचन के उनका इस्तीफा हो जाता है बिना कारण के, क्या वजह है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट में है, कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में है। बता दें कमलेश्वर पटेल 2013 से 2018 तक सिहावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2018 में वे दूसरी बार सिहावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे और कमलनाथ सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए थे। हालांकि सिहावल से 2023 का विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। गौरतलब है कि बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को सीधी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। सीधी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस के 20 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करने वाले कमलेश्वर पटेल सीधी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं।